नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि घर के सामान से ही टेस्टी रेसिपी बनाई जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही आसान टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसी के पास में बेल आइकॉन होता है, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं जो भी नई रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी उसे आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं किचन में फिर से एक नई रेसिपी बनाने। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले कैरेट कुकुम्बर जूस की रेसिपी। ये विटामिन मिनरल से भरपूर एनर्जी देने वाला जूस आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये जूस हमारी हेल्थ के लिए, पाचन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए इस हेल्दी जूस को बनाना शुरू करते हैं। कुकुम्बर और कैरेट का जूस बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की गाजर ली है और 2 ही मैंने खीरा ली है। इसी के साथ में 2 इंच अदरक है। फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को अच्छे से धोकर साफ़ करके ककड़ी का और गाजर का मैंने छिलका हटा दिया है, अदरक का भी छिलका हटा दिया और उसे कट करके रखा है। अब हम खीरा और गाजर दोनों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं और मिक्सी के जार में डालकर तीनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बढ़िया इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और इसे ग्राइंड करते समय मैंने इसमें आधा ग्लास पानी भी डाल दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से एकदम महीन पीस के तैयार हो जाए। ये हमारा जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया रहता है, आँखों के लिए, डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, सभी के लिए ये जूस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम इसे छटनी में डालकर छान लेंगे और आधा ग्लास पानी और ऐड कर देंगे। उसको मैंने छान लिया है। फ्रेंड्स, छलनी नहीं तो आप किसी कॉटन के साफ कपड़े से भी इसे अच्छे से छान सकते हैं, तो टाइम कम लगता है। अब इसमें 2 पिंच में काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और 2 पिंच के करीब ही सेंधा नमक है, जो कि हम व्रत पे इस्तेमाल करते हैं वही नमक है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। इसी के साथ आधा नींबू है, उसका भी रस डाल देते हैं। चम्मच से इसे बहुत अच्छे से हम हिला लेंगे। फ्रेंड्स, पीने में तो ये इतना बढ़िया लगता है और हेल्दी तो है ही, जो हमारे फ्रेंड्स वेट लॉस करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप एक ग्लास सुबह से पी लेंगे तो दिन भर आपको ताजगी महसूस होगी। ये बहुत ही बढ़िया हमारा हेल्दी जूस बनकर तैयार हो गया है। इसे अब हम ग्लास में निकाल लेते हैं। दो मिनट की मेहनत से हमारा बहुत ही बढ़िया सूप बनकर तैयार हो गया है। देखिएगा कितना बढ़िया लग रहा है। विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर हमारा ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी जूस बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।